हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम लोग इंजीनियरिंग फिजिक्स के यूनिट वन जो कि है रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स के इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस एंड कॉन्सेप्ट पे डिस्कशन करेंगे। इस वीडियो में आपको सभी फार्मूलेस एंड कॉन्सेप्ट देखने को मिलेंगे। इसका सेकंड पार्ट भी होगा जिसमें आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। ओके, देन जैसा कि ऑब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें आपको सारे कॉन्सेप्ट और फार्मूलेस आपको अच्छे से याद होने चाहिए। ओके, नाउ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिस्कशन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स होते हैं वो हमें जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि हमारा होता है पार्टिकल, ऑब्जर्वर एंड इवेंट। देन हमारा पार्टिकल क्या होता है? अ पार्टिकल इज़ ए स्मॉल पीस ऑफ मैटर हैविंग प्रैक्टिकली नो लीनियर डायमेंशन बट ओनली ए पोजिशन एट अ पॉइंट। ओके, जिसकी सिर्फ एक पोजिशन होती है, उसकी कोई लीनियर डायमेंशन नहीं होती है। इट इज़ कैटेगराइज बाई इट्स मास एंड चार्ज। इसको हम लोग इसके मास और चार्ज से कैटेगराइज करते हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, फोटॉन हो गया, एट्सेट्रा। ओके, देन नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है ऑब्जर्वर। दो ऑब्जर्वर क्या होता है? अ पर्सन हु लोकेट्स रिकॉर्ड्स एंड मेज एन इवेंट। मतलब जो एक कोई इवेंट को लोकेट करता है, रिकॉर्ड करता है, मेजर करता है, उस पर्सन को हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वर कहते हैं। और हमारा इवेंट क्या होता है? इन रिलेटिविटी एन इवेंट इम्प्लाइज एनीथिंग दैट अकर सडनली और सडनली एट ए पॉइंट इन द स्पेस। ओके, तो हमारा इवेंट क्या होता है? एनीथिंग दैट अकर्स सडनली। ओके, देन हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिफाइंस द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल और स्पेसिफिक द लोकेशन ऑफ एन इवेंट, इस कॉल्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मैंने सारी बातें लिखी नहीं है, इसलिए आपको जो मैं बोल रही हूँ वो भी ध्यान से सुनना होगा। ओके, जिससे कि इस वीडियो में मैं फर्स्ट यूनिट के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर लूँ। ओके, देन हम बात करते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच डिफाइंस द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल और स्पेसिफाइज द लोकेशन ऑफ एन इवेंट। मतलब कि जो ऐसा सिस्टम, कोऑर्डिनेट एक्सिस का सिस्टम, जहाँ जिसमें जो है वो किसी जिसमें किसी पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन किया गया हो या किसी इवेंट के लोकेशन को दिखाया गया हो। ओके, उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। और अगर मान लीजिए फोर कोऑर्डिनेट है जहाँ पे एक्स वाई जेड और टी है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं स्पेस टाइम फ्रेम। ओके, अगर आपको चारों कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, मतलब एक्स वाई जेड टी और टी में कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्पेस टाइम फ्रेम। ओके, देन हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस को टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हमारा होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड सेकेंड हमारा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, देन हमारा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? ऐसा फ्रेम जिसमें न्यूटन्स के लॉ ऑफ इनर्शिया एंड अदर्स लॉ ऑफ न्यूटनियन एंड क्लासिकल मैकेनिक्स सभी फॉलो होते हैं, वो हमारा क्या होता है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसको हम ऐसा भी कह सकते हैं कि इसको हम अनएसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी कहते हैं। एंड ऑल्सो दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर आइदर स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर और आर इन यूनिफॉर्म मोशन आर कॉल्ड द इनर्शियल फ्रेम। ओके, देन हमारे थ्री पॉइंट्स हो गए इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए, जो कि हैं, पहला हमारा जो पॉइंट है वो ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन के सभी लॉ फॉलो होंगे, एंड दूसरा हम कह सकते हैं इसको अनएसिलेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और तीसरा क्या कहते हैं? दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच आर आइदर स्टेशनरी रिलेटिव टू ईच अदर, ओके, और इन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, देन हमारा सेकेंड आता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ इज़ नॉट वैलिड इज सेड टू बी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि बताइए कि अर्थ हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम है या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो इसका आंसर क्या होता है कि अर्थ इज़ ए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बट फॉर डिस्क्राइबिंग मोशन ऑफ बॉडीज ऑन अर्थ इट इज़ कंसिडर्ड एज इनर्शियल फ्रेम। मतलब कि हमारा अर्थ जो है, अगर आपको क्वेश्चन में आता है तो आपको यही लिखना होगा कि वो हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन जब हम किसी बॉडी को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं अर्थ का, तो हमें उसको इनर्शियल मान के यूज़ करते हैं। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। उसके बाद हमारा आता है मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट। ओके, मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट को कब आया था ये? 1887 में बाय अल्बर्ट मिचेलसन एंड एडवर्ड मॉर्ले। ओके,
और इसका एम क्या था? टू मेजर रिलेटिव मोशन बिटवीन ईथर एंड अर्थ एंड ईथर, टू वेरीफाई द प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम। ओके, और इस एक्सपेरिमेंट के लिए मिचेलसन को नोबल प्राइज़ भी मिला था। ओके, जो साइंटिस्ट हमारे थे मिचेलसन, उनको नोबल प्राइज़ भी दिया गया था इस एक्सपेरिमेंट के लिए। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ईथर हाइपोथेसिस, आपको एक टर्म सुनने को मिलेगा ईथर हाइपोथेसिस। तो ईथर हाइपोथेसिस होती क्या है, अगर हम डिफाइन करते हैं ईथर हाइपोथेसिस क्या होती है। ईथर इज़ ए हाइपोथेटिकल मीडियम, इट इज़ यूज टू एक्सप्लेन हाउ लाइट वेव रीच अस फ्रॉम द सन थ्रू फ्री स्पेस। ओके, कि ईथर जो है वो हमारा एक हाइपोथेटिकल मीडियम होता है, जिसे हम यूज़ करते हैं कि लाइट जो है वो सन से फ्री स्पेस से होते हुए कैसे अर्थ पे आती है। ओके, और ईथर इज़ कंसिडर्ड एज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम, हाईली इलास्टिक, विच प्रोवाइड ए फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस कॉल्ड एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके, तो ईथर हम ऐसा क्या, ईथर कैसा होता है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम एंड हाईली इलास्टिक। ओके, देन हम नेक्स्ट आगे इसमें आगे बढ़ते हैं। इसका प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ पे एक लेंस होता है, फिर उससे हम लोग लाइट पास करते हैं, और यहाँ पे एक ग्लास होता है, वो 45 एंगल पे टिल्ड होता है, वो जो कि होता है हाफ सिल्वर, जिससे कि वहाँ पे रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन दोनों घटनाएं हो सकें। ओके, एंड ऐसे M1 एंड M2 दो मिरर लगे होते हैं, जो कि जिनकी डिस्टेंस L होती है, ये इस पॉइंट से O पॉइंट से। ओके, और इसको जो इसको एक्सपेरिमेंट में होता क्या है, मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट में करना क्या होता है, जो हमारी रे निकलेगी वो जब इस ग्लास प्लेट पे, जो रे है वो ग्लास प्लेट पे पड़ेगी, फिर वो M1 से रिफ्लेक्ट होकर आएगी, एक रे हमारी ये हो जाएगी, एंड एक रे हो जाएगी हमारी जो F2 से रिफ्लेक्ट होकर आएगी। ओके, तो देन इन दोनों रे के बीच में हमें पाथ डिफरेंस निकालना होता है, और फिर जब हमारा एक बार ऐसे इन दोनों रे की वजह से हमारा पाथ डिफरेंस निकल आता है, उसके बाद हम क्या करते हैं, एपरेटस को 90 डिग्री पे रोटेट कर देते हैं, और उसके बाद हम उसका फेज पाथ डिफरेंस निकालते हैं, और इन दोनों के पाथ डिफरेंस को हम लोग रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस निकालते हैं। मतलब इन दोनों के जो हमारे रे 1 और रे 2 से एक बार तो पाथ डिफरेंस ऐसे निकला था, फिर सेकेंड टाइम हम इसको एपरेटस को 90 डिग्री रोटेट करते हैं, फिर जो हमारा पाथ डिफरेंस निकलेगा, इन दोनों का यूज़ करते हुए हम रिजल्टेंट पाथ डिफरेंस निकालेंगे। ओके, और जब हमारा पाथ डिफरेंस आ जाएगा तो उसके बाद हम क्या करते हैं, फ्रिंज शिफ्ट निकालते हैं। तो फ्रिंज शिफ्ट में अगर हमारे चेंजेस आते हैं, मतलब आपको अगर फ्रिंज शिफ्ट मिलती है, तो इसका मतलब है कि आपका ईथर मीडियम जो है वो प्रेजेंट है। ओके, देन हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या होता है, जब आप रे 1 से करेंगे तो इसके लिए हमारा T1 टाइम आता है 2L/C इंटू ब्रैकेट में 1+V² / 2C² इस प्रोसेसर को अच्छे से समझने के लिए, ये तो बस एक क्विक रिवीजन है, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा अच्छे से नहीं समझा रही हूँ। आप इसके लिए हमारी दूसरी वीडियोस को प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे मैं अच्छे से मिचेलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूंगी, आप वहाँ से अच्छे से समझ सकते हो। ओके, देन मैं यहाँ पे सिर्फ ओवरव्यू आपको दे देती हूँ, यहाँ पे क्या करना होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हमारा जो T1 टाइम आता है वो आता है हमारा 2L/C और इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, 1+V² / 2C² एंड हमारा सेकेंड आता है टाइम T2 इक्वल टू 2L/C इंटू ब्रैकेट में 1+V² / C² और इसलिए हमारा डेल्टा टी यानी कि टाइम डिफरेंस इन दोनों के बीच में कितना आएगा, L V² / C³। आपको T1 और T2 का डिफरेंस निकालना है। ओके, जब हमारे पास टाइम डिफरेंस आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, पाथ डिफरेंस निकालेंगे। पाथ डिफरेंस कैसे निकलता है, सी पाथ डिफरेंस के लिए आप क्या करते हैं, वेलोसिटी इंटू टाइम कर देंगे, तो वेलोसिटी हमारी लाइट की स्पीड की वेलोसिटी सी इंटू L V² / C³। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगी वैल्यू, L V² / C² ओके, और जब हम इसको आफ्टर टर्निंग द अपैरेटस बाय 90 डिग्री, और जब हम 90 डिग्री से घुमा देंगे तो हमारा पाथ डिफरेंस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -L V² / C² ओके, तो हमारा रिजल्टेंट क्या हो जाएगा पाथ डिफरेंस, ये जो हमारा बाद मिला है, और इसको इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2L V² / C² एंड देन उसके बाद हमारी फ्रिंज शिफ्ट क्या होगी, डेल्टा एक्स बाई लैम्डा, डेट इज 12/12V² / λc² ये आपको याद रखना है। अगर जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ने पूछ लिया कि फ्रिंज शिफ्ट का फार्मूला, तो आप ये लिख सकते हैं 12V 12V² / λc² ओके, एंड
जो हमारे साइंटिस्ट थे मिचेलसन एंड मॉले, उन्होंने जो अपने एपरेटस में यूज़ किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने लैम्डा की वैल्यू उन्होंने ली थी 5500 एंगस्ट्रॉम, जिसको हम कह सकते हैं 5 × 10⁻⁵ सेंटीमीटर, और वी की वैल्यू उन्होंने ली हुई थी 3 × 10⁴ मीटर पर सेकेंड, डैट इज़ 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड, और एल की वैल्यू 11 मीटर, डैट इज़ 11 × 10³ सेंटीमीटर। जब आप इसे सॉल्व करेंगे ये फॉर्मूले से, ये हमारा डेल्टा एन की वैल्यू हमारे पास थी 12V² / λc²। आप जब सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट अप करेंगे तो आपको डेल्टा एन की वैल्यू 0.4 मिलेगी, इसको हम नेग्लिजिबल नहीं कह सकते। ओके, तो हमारे पास क्या आता है मैथमेटिकली, ये प्रूव होता है कि आप जो है वो फ्रिंज शिफ्ट पा रहे हैं, मतलब कि आपके पास देखिए 0.4 का फ्रिंज शिफ्ट आ रहा है, तो मतलब मैथमेटिकली तो ये प्रूव हुआ कि ईथर प्रेजेंट है, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली देखा तो उन्हें कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं दिखती है, तो उन्होंने सोचा कि हम मौसम बदल के देखते हैं, लेकिन हर चीज़ उन्होंने हर तरीके से किया, लेकिन उनको कोई भी मतलब कि उनको हमेशा फ्रिंज शिफ्ट मैथमेटिकली तो दिखी, लेकिन जब उन्होंने एक्सपेरिमेंटली की तो उन्हें लगा कि शायद गर्मी में नहीं हो रही है, तो फिर उन्होंने जब वेदर चेंज हुआ तब भी ट्राई किया, तब भी उनको कोई भी फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिलती है, तो मतलब उन्होंने फाइनली यही कहा कि फ्रिंज से वो एथर जो है वो प्रेजेंट नहीं है। ओके, इसका फाइनल मतलब यही है, आपको मैथमेटिकली तो फ्रिंज शिफ्ट मिल रही है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटली किया गया तो उन्हें फ्रिंज शिफ्ट नहीं मिली। तो हम देख लेते हैं कंक्लूजन इनका क्या था, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज सेम इन ऑल द डायरेक्शन, एंड सेकेंड हमारा था इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एथर आर अनडिटेक्टेबल। ओके, ये सिर्फ शॉर्ट व्यू है जिससे कि आपको बस सब सारे टॉपिक्स का ओवरव्यू मिल जाएगा कि इस चैप्टर में आपके लिए क्या क्या पढ़ना है आपको और क्या क्या नहीं पढ़ना है। ओके, बात करते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ द नेगेटिव रिजल्ट ऑफ मिचेलसन मॉले एक्सपेरिमेंट, तो इसमें हमारा पहला आता है एथर ड्रैग हाइपोथेसिस, एंड दूसरा आता है फिट्ज गिलार्ड लॉरेंज कॉन्ट्रैक्शन हाइपोथेसिस, एंड थर्ड आता है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें हम लोग क्या कहते हैं एक हमारा एस फ्रेम होता है जो कि रेस्ट पे होता है, और दूसरा फ्रेम हमारा होता है एस डैश फ्रेम जो कि वी वेलोसिटी से मूव करता रहता है इनटू पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ओके, देन हमारा ये जो पॉइंट है एक हम पॉइंट लेते हैं पी, उसकी जब आप वाई एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे तो वो कितनी आएगी एक्स डैश, और ये वाई डैश से निकालेंगे तो हमारी वो कितनी पोजिशन आएगी एक्स डैश आएगी। ओके, और ये देन हमारा ये जो डिफरेंस है तो हमारी एक्स की वैल्यू आप यहाँ से देख सकते हैं एक्स डैश इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स माइनस वी टी। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिकली यूज़ कब करते हैं, वेन द स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर और ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल कम्पेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ओके, जैसे कि क्वेश्चन में आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ कब किया जाता है, तो आप कब यूज़ करते हैं इसे, जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बहुत ही कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। ओके, देन हम यहाँ पे कंपेरिजन कर सकते हैं, यहाँ से एक्स डैश की वैल्यू आएगी एक्स माइनस वी टी, और वाई डैश में कोई मूवमेंट नहीं है तो हमारी वाई डैश की वैल्यू वाई ही आ जाएगी, एंड जेड डैश की वैल्यू जेड आ जाएगी, एंड टी डैश की वैल्यू भी टी ही रहेगी। ओके, और अगर हमें किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन का इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन निकालना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं एक्स की जगह पे एक्स डैश रखेंगे, मतलब कि जो बिना डैश के है उसको डैश में कन्वर्ट कर देंगे, और जो डैश में है उसको बिना मतलब उसका इनवर्स कर देंगे, अगर डैश में है तो बिना डैश से कर देंगे, और अगर डैश में नहीं है तो उसको डैश में कर देंगे, और वी की जगह पर क्या लिखेंगे माइनस वी लिख देंगे। ओके, जहाँ पे इतना करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी इनवर्स के ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन कौन कौन सी बनेगी, एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी, वाई इक्वल टू वाई डैश, और जेड इक्वल टू जेड डैश, और टी इक्वल टू टी डैश। ओके, देन हमारे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से क्या क्या रिजल्ट निकलेगी, वेलोसिटी वेरिएंट है, मतलब गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वेलोसिटी हमारी वेरिएंट आ रही थी, अभी कैसे आ रही थी, जब आप एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी dx डैश अपॉन डी टी इक्वल टू dx बाई डी टी माइनस वी। ओके, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं आप वी की फैक्टर आ रहा है अलग से, तो मतलब हमारी वेलोसिटी जो है वो वेरिएंट आ रही है, और जबकि आप इसका एक बार डिफ्रेंशिएट और कर देंगे तो क्या हो जाएगा ये ax हो जाएगा, तो हमारी ax डैश की वैल्यू ax आ जाएगी, मतलब कि हमारी जो एसिलेशन होता है वो इनवेरिएंट होता है। ओके, और जब हमारा जब एसिलेशन ही इनवेरिएंट है तो हमारा f इक्वल टू ma होता है, तो मतलब कि न्यूटन्स का लॉ भी इनवेरिएंट हो जाएगा। ओके, देन आपको ये याद रखना है कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में
वेलोसिटी वेरिएंट होती है एंड एसिलेशन मास टाइम एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आर इनवेरिएंट। हम बात करते हैं लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की, तो इसमें भी फिर सारे डायग्राम फिगर्स ऊपर वाले ही रहेंगे, आप ऊपर वाले डायग्राम्स को प्रेफर कर सकते हैं ये वाले। ओके, इसमें भी सेम कंसिड्रेशन है, बस इसमें थोड़ा सा अलग है कि इसमें मेजरमेंट ऑन एक्स डायरेक्शन मेड इन फ्रेम एस मस्ट बी लीनियरली प्रोपोर्शनल टू डैट मेड इन एस डैश फ्रेम। मतलब कि ये जो हमारा बना था एक्स डैश इक्वल टू एक्स माइनस वी टी, ये जो होगा यहाँ इक्वल का साइन ना होके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन होगा। ओके, जब आप और जब आप प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो आप एक कॉन्स्टेंट लगाते हैं, तो हमारे लिए वो कॉन्स्टेंट क्या है, के। ओके, तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे लिए आप के की वैल्यू भी यहाँ पे फाइंड करनी होती है। तो हमारे यहाँ पे एक्स डैश की वैल्यू आती है एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² / c². यहाँ पे आपके के की वैल्यू क्या आती है, के की वैल्यू आती है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² / c². ओके, तो आपकी एक्स डैश की वैल्यू क्या आती है यहाँ पे, एक्स माइनस वी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v² / c², वाई इक्वल टू वाई डैश ही रहता है और यहाँ पे जेड इक्वल टू जेड डैश भी रहता है, यहाँ पे टाइम जो है वो वेरिएंट हो जाता है। तो हमारा टाइम क्या आता है यहाँ पे, टी डैश इक्वल टू टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v² / c². अब आपको मैंने बताया दिया कि इन्वर्स कैसे निकालते हैं, वी की जगह पे माइनस वी रख देंगे और एक्स को एक्स डैश में कन्वर्ट करेंगे और एक्स को एक्स डैश में। ओके, अब जब इसको ऐसे आप चेंज करेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू, जेड की वैल्यू एंड टी की वैल्यू वो भी आपको मिल जाएगी। ओके ओके, देन हम यूज़ कहाँ पे करते हैं इसे, फॉर वेरी फास्ट पार्टिकल हैविंग वेलोसिटी इज कंपेरेबल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। ओके, जिनकी वेलोसिटी जो लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेरेबल होती हैं तो वहाँ पे हम इनका यूज़ करते हैं, और जब वेलोसिटी बहुत कम होती है लाइट के कंपेरिजन में तो हम गैलीलियन का यूज़ करते हैं, और जब बहुत ज़्यादा होती है उसके बराबर ही लगभग होती है तो हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। ओके, देन इसके बाद हमारा टॉपिक आता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो कॉन्सिक्वेंस क्या क्या होते हैं, सबसे पहला होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, मतलब कि हमें लेंथ जो है अगर वो कोई भी चीज़ अगर लाइट की स्पीड से थोड़ा सा कम और उसके आसपास जाते हुए दिखाई देगी तो आपको लगेगा कि उसका लेंथ जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गई है। जैसे कि आप ऊपर रॉकेट जाते हुए देखेंगे तो आपको लेंथ कॉन्ट्रैक्ट लगेगी, वो क्या होता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन होता है। ओके, देन इसमें क्या होता है, हमारी एल की वैल्यू क्या आती है, एल नॉट इंटू 1 माइनस v² / c². एल नॉट क्या है, वो हमारी एक्चुअल वैल्यू होती है। ओके, और अगर आप देखेंगे अगर वी हमारी सी से बहुत कम है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो हमारा ऑब्जेक्टिव वेलोसिटी है वो अगर लाइट की स्पीड से बहुत कम है तो हमारी एल इक्वल टू एल नॉट, मतलब कि कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमारी जो लेंथ है बॉडी की एक्चुअल लेंथ है वही आपको बाद में भी दिखेगी। और अगर वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाती है अगर वी, तो उससे क्या होगा कि एल इक्वल टू जीरो होगा, तो मतलब इसका कोई मतलब नहीं निकलता, तो ये नॉट वैलिड है। मतलब इसका मतलब क्या निकलता है कि किसी भी बॉडी की स्पीड जो है वो लाइट ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्पीड के वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर नहीं हो सकती। ओके, और अगर हमारा वी जो है वो सी को अप्रोच कर रहा है तो हमारी एल की वैल्यू वो जो होती है वो एक्चुअल वैल्यू से कम आती है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। उसके बाद हमारा टॉपिक आता है टाइम डायलेशन। ओके, तो हमारी टाइम डायलेशन में क्या आता है, टी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन 1 माइनस v² / c², मतलब कि टाइम हमारा बढ़ जाता है। ओके, देखेंगे आप जब वी इज इक्वल टू लेस देन सी होगा तो हमारा डेल्टा टी की वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, मतलब कि जैसे कि अगर आप टी इज इक्वल टू टी नॉट अपॉन 1 माइनस v² / c², ये हमारा क्या होता है, रियल इफेक्ट होता है, और इसे कैसे वेरीफाइड करते हैं, किसे कैसे वेरीफाइड किया जा चुका है वो क्या है, पाई मेसन और म्यू मेसन के द्वारा। ओके, दोनों उसके बाद हमारा होता है ट्विन पैराडॉक्स। जैसे कि मान लीजिए अगर दो हैं, दो ट्विन्स हैं, उनकी एज है 5 5 एज है अभी, फिर अगर वो कोई ऐसे स्पेस में चला जाता है जहाँ पे, तो अगर वो इसके अकॉर्डिंग रहेगा तो अगर 5 साल, मतलब आप 10 साल बाद देखेंगे तो जो 5 साल का बच्चा है वो धरती पर कितने साल का हो जाएगा, 15 साल का हो जाएगा। लेकिन अगर वो हो जो दूसरा वाला बच्चा है वो हो सकता है कितने का ही रह जाए, 4 या 5 साल का ही रह जाए, तो ये किसके कारण होता है, टाइम डायलेशन के कारण होता है। ओके, ये सब सारे जो इफेक्ट होते हैं वो रियल इफेक्ट हैं,
आप इसे, ये रियल इफेक्ट होते हैं। ओके देन हम आगे बढ़ते हैं, इसमें आता है एडिशन ऑफ वेलोसिटी और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वेलोसिटीज। ओके देन यहाँ पे हमारा यूएक्स डैश की, जैसे कि यूएक्स हमारी जो है वो एक्स डायरेक्शन में स्पीड है किसी ऑब्जेक्ट की, और वी डैश हमारा क्या है, वैसे ही यू वाई हमारा क्या है, वाई डायरेक्शन में स्पीड है, एंड जेड यू जेड क्या है, जेड डायरेक्शन में स्पीड है। ओके और वी क्या है हमारा, वो फ्रेम ऑफ जो एस डैश फ्रेम था उसकी वेलोसिटी है। तो हमारी यू एक्स डैश की वैल्यू क्या आती है, यू एक्स माइनस वी अपॉन वन माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। आप देखेंगे कि एक ये सब में डिनोमिनेटर सेम है, वन माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, और यू वाई की वैल्यू, यू वाई डैश की वैल्यू क्या आती है, यू वाई इंटू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, और यू यू डैश जेड की वैल्यू क्या आती है, यू जेड और इंटू वन ब्रैक अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके अगर हमारा पार्टिकल सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मोशन करे तो क्या होगा, हमारा यू वाई और यू जेड तो जीरो हो जाएगा, फिर हमारे यू डैश की वैल्यू क्या जाएगी, यू माइनस वी अपॉन वन माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। फिर से अगर यहाँ पे आपको इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन निकालनी है तो क्या करना होगा, आपको डैश वाले को बिना डैश में कन्वर्ट करना है और जो बिना डैश के उनको डैश में कन्वर्ट करना है। ओके और वी को माइनस वी से। ओके तो हमारा क्या हो जाएगा, ये यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू सॉरी यू एक्स इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन वन प्लस वी यू एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। ऐसे यू वाई की वैल्यू हो जाएगी यू वाई डैश इंटू वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर अपॉन वन प्लस वी यू एक्स डैश बाई सी, एंड ऐसे ही यू जेड की वैल्यू भी आ जाएगी। ओके अब जो हमारा होता है नॉन रिलेटिविस्टिक्स केस, उसमें वी बाई सी की वैल्यू वन से बहुत छोटी होती है, तो हमारी यू एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू एक्स डैश प्लस वी, और यू वाई की वैल्यू यू वाई डैश, और यू जेड की वैल्यू यू जेड डैश। ओके और इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं नो पार्टिकल कैन मूव विद अ ग्रेटर वेलोसिटी देन द लाइट वेलोसिटी ऑफ लाइट, मतलब कि कोई भी बॉडी लाइट के वेलोसिटी से ज़्यादा स्पीड से नहीं चल सकती। ओके अब हम देखते हैं वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी। तो वेरिएशन ऑफ मास विथ वेलोसिटी, इसके लिए क्या क्वेश्चन होती है, एम इज़क्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ओके अगर हम वी जो है वो सी को टेंड कर रही है तो हमारा एम जो है वो इनफाइनाइट को टेंड करेगा। ओके और अगर हमारा वी बहुत छोटा है सी से, तो हमारी एम की वैल्यू और एम नॉट के, एम की वैल्यू एम नॉट के बराबर ही होती है, मतलब कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा हाई स्पीड है तो आपको मास में वेरिएशन दिखेगा। ओके तो हमारा रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है, ई के इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या होता है, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर माइनस वन। ओके ये हमारा फार्मूलेज होते हैं, मैं इस वीडियो में सिर्फ आपको फार्मूले इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, मैं सब पे डिटेल्स में वीडियो भी बनाऊंगी मैंने। और हमारा आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन क्या होता है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये तो आप जानते हो, ये सारे फार्मूलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब लोग इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और उसके बाद हमारा होता है रिलेटिविस्टिक रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड मोमेंटम। तो हमारे लिए इक्वेशन क्या आती है, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर। ओके एंड सेकेंड हमारी इक्वेशन क्या होती है, पी इक्वल टू अंडर रूट के स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस टू एम नॉट के, और के इक्वल टू क्या होता है, वो हमारी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है। देन ये दोनों फॉर्मूलेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आपके रख लेंगे, मैं एक इसका सेकेंड पार्ट बनाऊंगी, उसमें आपको इस फार्मूलेज के ऊपर न्यूमेरिकल्स दिख जाएंगे, और जो इंपॉर्टेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल होते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल, वो भी मैं उसमें ऐड कर दूंगी। देन मैं जब वो वीडियो बना लूँगी, फिर इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में, वो उस वीडियो की लिंक मैं ऐड कर दूँगी। ओके देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मासलेस पार्टिकल। तो मासलेस पार्टिकल क्या होता है, जिनका रेस्ट मास हम लोग का एम नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर हम एम नॉट की वैल्यू ज़ीरो रख देंगे तो हमारी वी की वैल्यू सी आ जाएगी, मतलब कि जो मासलेस पार्टिकल होते हैं उनकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। ओके और इसके लिए हमारी ये इस क्वेश्चन से आप देख सकते हैं, ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट सी की पावर फोर। तो हम ई की वैल्यू यहाँ से क्या मिलेगी, पी सी, और ऐसे हम कह सकते हैं कि पी इज इक्वल टू ई बाई सी। ओके
देन ये कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर टी स्क्वायर इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपको इसका प्रूफ चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं इसका प्रूफ भी अवेलेबल करा दूँगी। ओके और इसको हम सेकेंड, मतलब कि यही क्वेश्चन है, आप इसको सेकेंड तरीके से ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स रिमेन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्म, स्पेस टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स रिमेन इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। हमारा ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए, बस ये आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट हैं, ये मुझे और बताना है इस टॉपिक्स में। इसके बाद आपका ये यूनिट वन में आपके सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो भी थे वो सारे आपको एक ओवरव्यू मैंने दे दिया कि कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक्स हैं और उस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हैं। ओके तो हम बात कर लेते हैं आइंस्टीन पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टीन के दो पोस्टुलेट से स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से। ओके जिनको हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कहते हैं। तो हमारे क्या होता है, फर्स्ट लॉ होता है हमारा ऑल द लॉज ऑफ फिजिक्स आर द सेम इन एवरी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके तो इसका मतलब क्या होगा, दिस पोस्टुलेट इम्प्लाइज दैट देर इज़ नो एक्सपेरिमेंट वेदर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ मैकेनिक्स और द लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ओके फ्रॉम विच इट इज़ पॉसिबल टू डिटरमाइन वेदर और नॉट द फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन स्टेट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके और फर्स्ट लॉ को हम ये भी कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विवेलेंस, मतलब कि ऑल न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड क्लासिकल फिजिक्स लॉज आर वैलिड एंड रिमेन्स कॉन्स्टेंट ऑफ इस ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब कि जो हमारे सभी न्यूटन्स के लॉ हैं और जो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज हैं वो हमारे वैलिड और हमेशा कॉन्स्टेंट रहेंगे इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ओके एंड हमारा सेकेंड होता है कॉन्सिटेंसी ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, मतलब कि कोई भी आप फ्रेम ले लीजिए वहाँ पे हमारी स्पीड ऑफ लाइट हमेशा कांस्टेंट होगी। ओके देन प्लीज़ अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती है और अगर आपको और भी सारे चैप्टर्स पे अगर आपको शॉर्ट मतलब कि अगर आपको सारे चैप्टर्स पे वन शॉर्ट वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको और वीडियोस भी प्रोवाइड कर दूँगी, आपको सारे वीडियोस ऐसे प्रोवाइड कर दूँगी। और इस वीडियो जो मैंने PDFs बनाई हुई है वो भी हैंड रिटन है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए। और ये सारे नोट्स मैंने सारे बुक्स और सबका कंक्लूजन निकाल के बनाया है, मतलब आपको बहुत जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्म होते हैं वो मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पे। ओके और मैं ऐसा करती हूँ ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। ओके देन इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो भी आएगी जिसमें आपको इस यूनिट से जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके सारे क्वेश्चन और न्यूमेरिकल भी आपको मिलेंगे। ओके देन प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को। ओके थैंक यू एंड प्लीज़ शेयर कर भी कर दीजिएगा इसे। ओके थैंक यू।